तो दोस्तों, एक समय था जब हम लोग मार्वल की टीवी सीरीज देखते थे, जैसे डेयर डेविल, डिफेंडर, पनिशर, इनह्यूमंस, एजेंट ऑफ द शील्ड। उसके बाद हम लोग मार्वल मूवीज भी देखते थे, लेकिन मार्वल मूवीज को समझने के लिए टीवी सीरीज देखना कंपलसरी नहीं था। लेकिन अब वक्त बदल गया। अगर आपको मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की फेज 4 की मूवीज समझनी है तो आपको टीवी सीरीज भी देखनी पड़ेगी, जैसे फाल्कन, विंटर सोल्जर, वांडा विजन, लोकी और भी बहुत कुछ। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे वांडा विजन की, कि इसमें ऐसा क्या होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम लोग कॉमिक बुक की बात करें तो वांडा की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा यूनिक है। इसलिए दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपका फेवरेट इन्फिनिटी स्टोन कौन सा है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक अलग स्टोरी लाइन से, जो की है जिसमें वांडा अपनी पावर्स को और एक्सप्लोर करती है। यहाँ पे दोस्तों, हम लोग ने देखा, चाहे बात हो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की, या फिर इन्फिनिटी वॉर, या फिर एंड गेम की, वांडा की पावर्स हमेशा बढ़ी है। उसे अपनी पावर का पोटेंशियल खुद ही नहीं पता है। लेकिन हम लोग ने ये देखा था जब वांडा थानोस से फाइट करी थी, जो थानोस की इन्फिनिटी सॉर्ड थी जिसे वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड को ब्रेक कर दिया था, उसे वांडा ब्रेक कर देती है। अब ये काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। यानी दोस्तों, वांडा की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले उसने क्विक सिल्वर को खोया, उसके बाद उसने विजन को खोया। अगर अब वो कुछ खोती है तो उसकी पावर्स कुछ और इन्हांस हो जाएगी। हम लोग वांडा की पावर्स को हल्क की पावर से भी कंपेयर कर सकते हैं उसके रूप में। जैसे कि हल्क की स्ट्रेंथ तब बढ़ती है जब उसे गुस्सा आता है, उसी तरह कुछ वांडा के केस में भी होता है, जो कि हम लोग को एवेंजर्स एंड गेम में दिखाई भी दिया था। अब इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब वांडा अपनी पावर्स को पूरा कंट्रोल करना सीख जाएगी तो अपनी पावर से एक अलग रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगी। ये तो रही बात की बात, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि जो विजन की स्टोरी लाइन है वो काफी ज्यादा यूनिक है। विजन की कॉमिक में ये दिखाया गया कि विजन को कैसे वांडा असेंबल करती है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि विजन की बॉडी अभी है का। हम लोग ने आखिरी बार विजन की बॉडी देखी थी वकांडा में। थानोस पहली बार अर्थ पे आया था और विजन से माइंड स्टोन ले लिया था। अब यहाँ पे बहुत लोग को लगता है विजन किसी तरह रिवाइव हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ। और यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी भी जो कि क्लियर नहीं कि विजन की बॉडी अभी करंट सिनेरियो में है कहाँ, क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद 5 ईयर्स का टाइम गैप भी था। इसमें टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर कोई नहीं चाहता था विजन को वापस लाना, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। यानी दोस्तों, विजन की बॉडी को कहीं हटाया गया, हो सकता है ये बॉडी शील्ड के पास ना हो बल्कि सॉर्ड के पास। जी हाँ दोस्तों, शील्ड के अलावा भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आ रही है जो कि अर्थ बेस होगी, और उस ऑर्गेनाइजेशन का काम भी ऑलमोस्ट शील्ड जैसा ही होगा। और वहां पे एक मेंबर और है जिसका नाम है मोनिका, जो कि हम लोग को कैप्टन मार्वल 1 मूवी में दिखाई दी थी। इन सबके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा वांडा विजन टीवी सीरीज में। लेकिन क्या पता इन्हीं के पास विजन की बॉडी हो, और वांडा का सबसे पहला काम है वहां से विजन की बॉडी को हटाना ताकि उसे जिंदा कर सके। विजन को देख के अगर हम लोग ध्यान दे तो विजन को साइंस की मदद से बनाया गया, लेकिन उसमें एक इन्फिनिटी स्टोन भी लगा है जिसका नाम है माइंड स्टोन। और आप लोग को पता होगा कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा की पावर भी माइंड स्टोन से एनहांस हुई थी, इसलिए वो विजन को क्रिएट कर सकती है अगर वो चाहे तो। लेकिन उसे और अच्छी तरह मैजिक को सीखना पड़ेगा। अब वो इसीलिए जाती है कई दूसरी जगह पे जहाँ पे उसे मैजिक सिखाया जाता है, जिससे उसकी पावर्स और बढ़ जाती है, और फिर फाइनली वो विजन को क्रिएट कर देती है। लेकिन फिर भी उसे अपनी लाइफ परफेक्ट नहीं लगती। उसने क्विक सिल्वर को खोया है और फिर वो विजन को दोबारा नहीं खोना चाहती, इसलिए वो एक ऐसी रियलिटी बनाती है जहाँ पे वो और विजन हमेशा साथ रहे, और वहां पे उनके बच्चे भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों, टेक्निकली वांडा विजन के बच्चे हो नहीं सकते, इसलिए हर काम वो मैजिक से होता है। अब यहाँ पे जब बच्चे आते हैं तो कॉमिक बुक में तो ये दिखाया गया कि जब भी वांडा विजन एवेंजर्स के साथ मिलकर किसी सुपर विलन से फाइट करते हैं, उसके बच्चे गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो रियलिटी की वजह से बने हुए थे। और यहाँ पे जब वांडा फाइट करती है, वो जो एनर्जी होती है जिससे उसके बच्चे एग्जिस्ट करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है फाइट सिक्वेंस में। सिर्फ कुछ वक्त के लिए ऐसा होता है, तो वांडा को ये समझ में नहीं आता, क्योंकि वांडा के दिमाग में ये चल रहा है कि उसके बच्चे रियल है, ना कि कोई रियलिटी का पार्ट है। अब यहीं से शुरुआत होती है मेफेस्टो की। जी हाँ दोस्तों, मेफेस्टो एक ऐसा सुपर विलन है जो दूसरों की विश पूरी कर सकता है, लेकिन किसी कॉज के लिए। यानी कि मेफेस्टो वांडा की सोल के बदले उनके बच्चों को परमानेंट रियलिटी का पार्ट बना सकता है, जिससे उसके बच्चे कभी गायब नहीं होंगे। इसी वजह से हो सकता है मेफेस्टो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का भी विलन हो, और वांडा विजन टीवी सीरीज में विलन हो। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ एंट्री होती है बैरन मोडो की, जो कि हम लोग को दिखाई दिए थे डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 1 मूवी में। अब वो क्या कहते हैं, वांडा की रियलिटी को हम लोग की करंट रियलिटी से मैच कर देते हैं, जिससे होता क्या है, दोनों रियलिटी आपस में जुड़ने लगती है। इसकी वजह से वांडा का ड्रीम वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड दोनों इफेक्ट होने लगता है। अब यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का काम है
अपनी करंट रियलिटी को प्रोटेक्ट करना, इसलिए वो वांडा की रियलिटी को रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वांडा की रियलिटी ओवर पावर कर गई तो उसकी मैजिक की वजह से ना सिर्फ अर्थ की रियलिटी गायब हो जाएगी बल्कि मेफिस्टो भी अर्थ के ऊपर आ जाएगा। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज अगर वांडा की रियलिटी को डिस्टर्ब करते हैं तब यहाँ पे वांडा की पावर असली में और बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे इसलिए वांडा नई टेक्निक सीख रही है कि कैसे अपनी रियलिटी को प्रोटेक्ट कर पाए और किसी को पता भी ना चल पाए। वैसे कॉमिक बुक में एक चीज हुआ है कि यहाँ पे वांडा ने एक रियलिटी ऐसी क्रिएट की थी जहाँ पे क्विक सिल्वर भी जिंदा हो गया था और बाकी म्यूटेंट्स और एवेंजर्स भी एक साथ थे जिनके बीच में कोई फाइट नहीं चल रही थी। यहाँ पे सबकी अपनी दुनिया थी, सबकी अपनी विश पूरी हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्पाइडरमैन सबसे अमीर आदमी बन गया था और वुल्वरिन शील्ड के साथ काम भी कर रहा था, लेकिन किसी तरह प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर को पता चल गया कि जिस रियलिटी में लोग जी रहे हैं वो असली नहीं है बल्कि वांडा की क्रिएट की हुई है। और यहाँ पे मैग्नेटो पता है क्या कर रहा था, वो बाकी सारे म्यूटेंट्स पर राज भी कर रहा था। इसलिए प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर मैग्नेटो के पास जाते हैं, उसे कन्विंस करते हैं कि जो तुम देख रहे हो वो असली नहीं है बल्कि वांडा ने क्रिएट किया। इस पर मैग्नेटो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो क्विक सिल्वर को खत्म कर देता है जिससे वांडा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वो क्विक सिल्वर को फिर से रिवाइव कर देती है और बोलती है कि अगर ये सब म्यूटेंट्स की वजह से हो रहा है तो म्यूटेंट्स नहीं रहेंगे। और फिर वो एक वर्ड बोलती है और जितने भी म्यूटेंट्स होते हैं वो सब अपनी पावर्स खो देते हैं, इंक्लूडिंग प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सिनेमैटिक न्यूज़ में कुछ उल्टा हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है वांडा को बाकी लोगों की हेल्प चाहिए जिनके पास म्यूटेंट पावर हो क्विक सिल्वर और वांडा की तरह, इसलिए वांडा अपने मैजिकल वर्ड से एक रियलिटी ऐसी बनाती है जहाँ पे म्यूटेंट एग्जिस्ट करते हो। तो यानी दोस्तों हम लोग को दो तरीके से म्यूटेंट दिखाई दे सकते हैं, पहला जिनका ओरिजिन इटर्नस मूवी में दिखाया जा सकता है, दूसरा जो वांडा क्रिएट करती है। अगर वांडा ऐसे म्यूटेंट क्रिएट करेगी तो क्वेश्चन अराइज होगा कि बाकी म्यूटेंट्स कैसे आएंगे, प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर का ओरिजिन कैसे होगा, क्योंकि टाइमलाइन तब बहुत आगे चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर वांडा बोलती है कि म्यूटेंट्स आ जाए तो ये जो मैजिकल स्पेल है ये परमानेंट है या फिर टेम्परेरी बेस है, क्या डॉक्टर स्ट्रेंज इस स्पेल को रिवर्स भी कर सकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज तो कन्फर्म है दोस्तों कि जो विजन है वो काफी ह्यूमन फॉर्म में हम लोग को दिखाई देगा। हम लोग ने अभी काफी ज्यादा इमेजेस देखे थे वांडा विजन टीवी सीरीज के, और दोस्तों इस इमेज में विजन एकदम परफेक्ट लग रहा है और काफी ज्यादा बेटर वर्जन में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होगा बल्कि मैजिक का यूज होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे करंट सिनेरियो में अगर वांडा विजन को असेंबल करती है तो टोनी स्टार्क है नहीं। वैसे भी दोस्तों मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर मेफिस्टो का इन्वॉल्वमेंट है, वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एक और सुपर हीरो की एंट्री जरूर होगी जिसका नाम है घोस्ट राइडर। जी हाँ दोस्तों हम लोग को लग रहा है यहाँ पे फाइनली घोस्ट राइडर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाई देगा। ऐसा भी हो सकता है कुछ वक्त के लिए ये और डॉक्टर स्ट्रेंज एक साथ टीम अप हो वांडा और मेफिस्टो से फाइट करने के लिए, क्योंकि मेफिस्टो वांडा को ऐसे कन्विंस कर सकता है कि अगर तुम्हें अपनी रियलिटी बचानी है तो तुम्हें मेरे लिए डॉक्टर स्ट्रेंज से फाइट करना पड़ेगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को कोई कंपेनियन चाहिए ताकि वो वांडा से फाइट करके उसे अपनी टीम में कर सके। डॉक्टर स्ट्रेंज का काम ये होगा कि वांडा को किसी तरह कन्विंस कर सके कि जैसा वो कर रही वो बस मेफिस्टो का एक तरीका है हम लोग के वर्ल्ड में एंटर करने का। अगर ये बात वांडा को समझ में आ जाती है तो फाइनली हम लोग को वांडा मल्टीवर्स को भी प्रोटेक्ट करते हुए नजर आएगी। वैसे दोस्तों एक और अपडेट आई है जो कि रिलेटेड है एंटमैन 3 से, क्योंकि ये रिवील कर रहा है कि इस मूवी का विलन कैंग द कॉन्करर है। जी हाँ दोस्तों हम लोग को लग रहा था कि कैंग द कॉन्करर का अपीयरेंस लोकी की टीवी सीरीज में होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ और होने वाला है, डायरेक्टली कनेक्टेड होने वाला है एंटमैन 3 से। बहुत लोग सोच रहे होंगे कैंग द कॉन्करर ऐसे क्यों आ रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कैंग द कॉन्करर एक तरह का टाइम ट्रेवलर है जो कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी अलग टाइमलाइन से। और हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था कि क्वांटम रियल्म का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज हुआ था टाइम ट्रेवल में, तो यहाँ पे कैंग द कॉन्करर को यह पता चला होगा किसी टाइमलाइन में कुछ ऐसे एवेंजर्स है जिन्हें अगर अभी नहीं रोका गया तो मेरी टाइमलाइन को भी डिस्टर्ब कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जो कैंग है वो फ्यूचर की टाइमलाइन को रूल करता है, तो यहाँ पे वो फ्यूचर की टाइमलाइन को स्टेबल करने के लिए प्रेजेंट के एवेंजर्स को हराना चाहेगा। दोस्तों ये भी हो सकता है कि आगे जाके जब हैंग पिम और जेनेट पास फिर से कोई एक्सपेरिमेंट करे क्वांटम रीम के लिए तो उसी जगह से कैंग द कॉन्करर फाइनली हम लोग की अर्थ पे आ जाए। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि एंटमैन 3 में फैंटास्टिक फोर का इंट्रोडक्शन हो जाएगा और एक तरह से रीड रिचर्ड्स कैंग द कॉन्करर के एंसिस्टर है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग बात होगी अगर उनका सामने डायरेक्टली कैंग से होता है तो कैंग कैसे रिएक्ट करता है। और यहाँ पे कैंग द कॉन्करर कॉमिक बुक में अपोकलिप्स यानी कि एन शबानूर से भी जाके मिला था, और अगर ऐसा वाकई में दिखाया जाएगा कि कैंग द कॉन्करर एन शबानूर से मिलकर उसकी कुछ टेक्नोलॉजी यूज करता है, उसके बाद कैंग द कॉन्करर डॉक्टर डूम से भी मिलता है किसी ऑल्टरनेट रियलिटी में जिसपे डॉक्टर डूम उसे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी देते हैं जिससे वो बाद में फैंटास्टिक फोर को हरा सके, तब ये देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वैसे कॉमिक बुक में कैंग द कॉन्करर फैंटास्टिक फोर के अलावा एक और सुपर हीरो का विलन है जिसे हम सब लोग जानते हैं,
जिनका नाम है टोनी स्टार्क, पर अभी वो करंट टाइमलाइन में है नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि कैंग द कॉन्करर का उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। यहाँ पे अगर हम लोग कॉमिक बुक की बात करें तो टोनी स्टार्क का एक बेटा था जिसका नाम था एडनो स्टार्क। कैंग द कॉन्करर को फ्यूचर टाइमलाइन को रूल करने से रोकता था। कैंग ये सोचता था कि अगर मैं टोनी स्टार्क को खत्म कर दूं तो कभी ऑनर स्टॉक का जन्म होगा ही नहीं, इसलिए वो यही काम करता था। लेकिन उससे पहले ऑनर स्टॉक उसे फिर से अपनी प्रेजेंट टाइमलाइन में ले जाता था। तो फाइनली दोस्तों यानी कि इसका मतलब ये है कि एंड मैन 3 में हम लोग को टाइम ट्रैवल का कनेक्शन, कैंग का कनेक्शन, फैंटास्टिक फोर का कनेक्शन और यहाँ तक कि म्यूटेंट्स का भी कनेक्शन दिखाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी वांडाविजन टीवी सीरीज से और फाइनली एंटमैन 3 से भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।